स्वागत है, स्वागत आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहें। आपकी कॉल नमस्कार हेल्प है, मैं आपका स्वागत है। मजीद आपकी सहायता कर सकता हूँ? नाम जिला जान सकता हूँ? सर मेरा नाम राजेश है और मैं जिला बीकानेर से बोल रहा हूँ। जी सर, नाम और जिला बताने के धन्यवाद, किसी से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? हाँ सर, मैं सहायता ये है कि सर आरपीएससी के पास अभ्यर्थना आने वाली है। अशोक गहलोत जी ने ट्वीट किया था मार्च के महीने में 2022 में, उसमें बोला था कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है वो जून के महीने में विज्ञप्ति आ जाएगी, लेकिन सर अभी 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 तक विज्ञप्ति नहीं आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की नई रिक्रूटमेंट 2022 की। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं आई है सर? हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2022 की भर्ती अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था, उसमें बोला था कि जून के महीने में विज्ञप्ति है वो जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक विज्ञप्ति जारी नहीं हुई। लेकिन अब प्रश्न यहाँ पे ये बनता है कि अशोक गहलोत ने ट्वीट किया था ना, उससे पहले जो भर्ती थी 2020 की असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसमें टेबल 3B नियम था यूजीसी का, वो लागू नहीं था। और अभी गवर्नमेंट आरपीसी के पास एक कमेटी बनाई हुई है, वो कमेटी रूल 3B के तहत फ्यूचर में आने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए टेबल 3B नियम है वो लागू करने जा रही है। और राजस्थान में हजारों अभ्यर्थी है, लाखों अभ्यर्थी है जो टेबल 3B रूल का विरोध करते हैं। तो सर मैं आरपीसी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूँ कि हमारे अधिकारों की रक्षा करें। हमने नेट का पेपर है वो क्वालिफाई किया है, हमने पीजी किया है, यूजी किया है, और हमारा बचपन से सपना रहा है कि हम इस पोस्ट को अचीव करें, और जब हमारे पास ये योग्यता आई है तो उस योग्यता को गवर्नमेंट है वो छीनने का प्रयास कर रही है। तो आरपीसी के खिलाफ हम एक अपना परिवाद दायर करना चाहते हैं कि टेबल 3B जो रूल्स है फ्यूचर में वो लागू नहीं होगा 2022 की असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट के लिए। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप ये कहना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती है उसमें टेबल 2-3 जो भी आप बता रहे हैं हाँ, वो लागू नहीं होना चाहिए? हाँ लागू नहीं होना चाहिए। हाँ क्या बेहतर जानकारी के लिए आपकी कॉल कुछ समय के लिए होल्ड पर? जी सर, आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है, कृपया लाइन पर बने रहे। आपकी कॉल सेवा के लिए अग्रेषित की जा रही है। सुन पाए सर? जी सर, लाइन पर रहने के लिए धन्यवाद। बताना चाहेंगे सर आपकी जो समस्या सर आरपीएस से संबंधित है, और आरपीएस से संबंधित समस्या जो उसके लिए अलग एक अलग से साइट ओपन है आरपीएससी, आप उसकी साइट पे जाकर वहाँ से आप। हाँ सर, आरपीएससी की साइट पे हमने किया था शिकायत, और उस शिकायत को 2 महीने हो गए, हमने 3 बार शिकायत किया था, लेकिन हमारी सुनवाई का वहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है, न हमारे सवाल का जवाब दिया है। इसीलिए आप आरपीएससी के थ्रू अगर शिकायत नहीं दर्ज करवाना चाहते हैं तो आप जो हमारे उस शिक्षा मंत्री है उसके हिसाब से उनके लिए ये शिकायत भेजते हैं। सर यहाँ से मंत्री के खिलाफ जो भी शिकायतें दर्ज नहीं होती है उसके लिए सर आपको लिखित में जाके देना पड़ेगा सर। लिखित में हमने दे दिया है, लिखित में हमने दे दिया, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक ये कोई हमारे लिए गवर्नमेंट ने ऐसा कोई बयान नहीं आया या ऐसा कोई रूल्स के लिए ऐसा कोई गवर्नमेंट ने इन्फॉर्मेशन जारी नहीं किया है ऑफिशियली, जिसमें कहा जाए कि टेबल 3B नियम है वो लागू नहीं किया गया है। अब हम एक साल से इस भर्ती में असमंजस में है कि हम पढ़े या नहीं पढ़े, फ्यूचर में क्या करें, ये हम बीच में अधर में लटके हुए हैं। तो इस अधर में लटके हुए समय को हम कैसे निकालें, इसके लिए आप हमारा कोई निपटारा करो। इसलिए हम चाहते हैं कि आरपीसी के खिलाफ या आरपीसी के खिलाफ नए जगह आरपीसी के तक ये सूचना पहुंचाई जाए ये टेबल 3B नियम है ये लागू नहीं हो, और राजस्थान के अधिकांश का 99% जो तैयारी करते हैं उन सब की मांग यह है कि टेबल 3B नियम है वो लागू नहीं किया जाए इस भर्ती में। फ्यूचर में कर दिया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट है बहुत इंतजार के बाद हम एलिजिबल हुए हैं, और उसके बाद गवर्नमेंट ने टेबल 3B के लिए कमेटी बनाई आरपीसी के अंदर, हम उसका गहन तरीके से और एकदम आत्मिक रूप से और हमारे अधिकारों की रक्षा के तौर पर हम यह चाहते हैं कि ऐसा नियम है वो आरपीसी नहीं लाए, और अगर लाती है तो वर्तमान भर्ती पे यह लागू नहीं किया जाए सर।
सर बताना चाहेंगे, हम आपके कंसर्न को समझ पा रहे हैं, जैसे कि आप समझ पा रहे हो उसके लिए आपको बताना चाहेंगे, यहाँ से आपकी शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी, यहाँ से आपको सिर्फ जानकारी दी जाएगी, या तो सर आप आरपीएचसी की साइट है वहाँ से कंप्लेंट। आरपीएचसी में हमने बार बार ये सूचना भेजी है, हमने टेलीफोन किया, मेल किया है, डाक द्वारा सूचना भेजी है, लेकिन आरपीएचसी ने लगातार 6 महीने हो गए कोई भी सूचना अंत तक नहीं पहुंची। कार्यालय में जाके हमने संपर्क किया था, हमने जयपुर कार्यालय में आरपीएचसी का कार्यालय है अजमेर जहाँ पे हम गए थे, और वहाँ पे जाके हमने पर्सनली संपर्क किया था, तो वहाँ के जो चेयरमैन है उनसे भी बात नहीं हो पाई, और निचले ग्रेड के अधिकारी उनसे भी बात हमारी नहीं हो पाई। कहने का मतलब है हमारा और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन है वो नहीं बन रहा है, न हमारी बात हो रही है, और न अभी तक इतनी कोई गवर्नमेंट इसमें रुचि ले रही है। तो हम ये चाहते हैं कि चुनाव से पहले पहले हमारी मांगों को गवर्नमेंट पूर्ति करे, ये मांगों की तरफ ध्यान दे, और ऐसा 333B नियम है वो लागू न हो। जी सर बताना चाहेंगे, यहाँ से समस्या समाधान नहीं होगा, उसके लिए सर आपको वही जाके समस्या समाधान करना पड़ेगा। तो सर राजस्थान संपर्क पोर्टल, राजस्थान संपर्क पोर्टल में ये जिक्र दिया हुआ है कि आपको सरकारी विभाग से कोई आपत्ति है तो सरकारी विभाग में आप हमारी तरफ से परिवाद दायर कीजिए, तो आरपीएससी सरकारी विभाग में नहीं आता है क्या? जी सर बताना चाहेंगे, उसके लिए सर एक डिपार्टमेंट है मुख्यालय होता है सर, उसके लिए आपको वहीं जाकर संपर्क करना पड़ेगा सर। आप अकेले के सर एक बार कहने से जो चीज गवर्नमेंट ने लागू की है, आप अकेले के कहने से थोड़ी चेंज होगी सर, आप 2-4-5 स्टूडेंट, 10-15 स्टूडेंट जितने भी हाँ सर, हाँ वो जाकर एक बार आप मौखिक रूप से और लिखित रूप से एक बार आप अवगत करवाए सर, एक दो का कहने से सर एकदम से रूल थोड़ी चेंज होगा सर सरकार का। नहीं हमारी बात पहुंचाना चाहते तो आप बात तो पहुंचा ही सकते हो ना। जी सर बिल्कुल सर, इसीलिए आपको कंसल्ट को आपके बताया गया है कि उसके लिए सर आप एक ही कहने से नहीं होगा, आप यहाँ से शिकायत दर्ज नहीं हो पाएगी, यहाँ से सर आपको जानकारी दी जा रही है, आप या तो सर जन सुनवाई होती तब मुख्यमंत्री की जब जन सुनवाई होती सर आप यहाँ तब संपर्क करें, या फिर आप आरपीएससी का जो बोर्ड होता है सर वहाँ जाकर कम से कम 15-20 स्टूडेंट जाकर आप लिखित में मौखिक में अपनी समस्या का अवगत करवाएं सर। राजस्थान सरकार ने जो फैसला लिया है सर, एक ही कहने पर चेंज नहीं होगा, ये बात आप समझ पाते हैं सर? हाँ ये तो बात सही है सर आपकी, बिल्कुल सर, आप एक एक कहने से सर कुछ सब कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ स्टूडेंट अगर मिलकर आपका सहयोग करेंगे और आप जाके उनके सामने अपना पक्ष रखेंगे तभी सरकार और डिपार्टमेंट और जो बोर्ड है वो आपकी बात मानेगा सर। आपके कहने का मतलब है कि हमें इस प्रकार ये शिकायत दर्ज करवाएंगे तो इस शिकायत पहली बात तो दर्ज नहीं होगी, और दर्ज होगी तो उससे कोई संज्ञान नहीं लिया जाएगा। इसके लिए हमें जो हम अभ्यर्थी है हम सबको संगठित होकर इसका विरोध करेंगे, सरकार तक बात पहुंचाएंगे, ज्ञापन देंगे कलेक्टर के थ्रू या ऑफिशियली वहां पे जाएंगे, उसका घेराव करेंगे, तब हमारी मांग मानी जाएगी, यही बात है ना? जी सर बिल्कुल सर, आपका यही बताया जा रहा है सर आपको। आप सर एक ही कहने से नहीं होगा सर, मौखिक रूप से लिखित रूप से आप सरकार को जब अवेलेबल करवाएंगे उसके बाद ही सर आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा सर। अच्छा ठीक है सर, जय हिंद। जी सर, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन कॉल करने का धन्यवाद सर।